कमलनाथ का चौंकाने वाला दावा, मध्य प्रदेश में स्वीप करेगी कांग्रेस, बीजेपी से कई सीटें छीनेगी कांग्रेस, विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने किए झूठे वादे। तमाम सर्वे कर रहे हैं दावा, बीजेपी कर रही है क्लीन स्वीप। लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम टीवी चैनलों में इस समय सर्वे की बहार चल रही है। दावा किया जा रहा है कि एक बार फिर मोदी सरकार आ रही है। इस बीच मध्य प्रदेश को लेकर दावा हो रहा है कि बीजेपी राज्य की सभी सीटें भी जीत सकती है। उस सर्वे 29 से बीजेपी को 28 तो कुछ 27 सीट दे रहे हैं। कांग्रेस को सबसे अच्छी स्थिति में भी 4 सीटें मिलती बताई जा रही है, तो बुरी स्थिति में उसका खाता भी नहीं खुलता दिख रहा है। इस बीच इंडिया टीवी CNX का एक ओपिनियन पोल भी सामने आया, जिसमें दावा किया गया कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक भी सीट नसीब नहीं होगी और बीजेपी को सभी 29 सीटें मिल जाएंगी। लेकिन ओपिनियन पोल के दावों के उलट कमलनाथ अपने ही दावे करने में जुटे हैं। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कमलनाथ दावा करते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 12 से 13 सीटें मिलेंगी। कमलनाथ ने टीवी चैनलों के सर्वे को फर्जी करार दिया, कहा कि ये मोदी के मित्र मीडिया का सर्वे है और वो बीजेपी की स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं। चुनाव के समय हर राजनीतिक दल अपने पक्ष में हवा बनाने की कोशिश करते हैं, बीजेपी भी यही कर रही है। बीजेपी माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, उसकी सरकार आ रही है या उसकी अधिक सीटें आ रही हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। चैनलों के सर्वे के सारे बीजेपी इस तरह की हवा बनाने की कोशिश कर रही है, जबकि जमीन पर स्थिति बिल्कुल उलट है। बीजेपी की हालत खराब है, लेकिन मीडिया के जरिए माहौल बनाया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव में उतरने जा रही है और पूरा यकीन है कि मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से कांग्रेस कम से कम 12 से 13 सीटें जरूर जीतेगी। बीजेपी हवा हवाई बातें कर रही है और उसे भी इस बात का एहसास है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति बेहद मजबूत है, कई सीटों पर कांग्रेस बीजेपी को कड़ी टक्कर देगी। इस बीच कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में एक बार फिर कमलनाथ के नाम पर पोस्टर लगाए गए हैं। कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बताया जा रहा है। पोस्टर कमलनाथ के समर्थकों ने लगाए हैं, लेकिन क्यों, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। वैसे भी MP में 5 साल बाद चुनाव होंगे और उस समय कमलनाथ की उम्र 80 के पार पहुंच जाएगी, और जिस तरह से कमलनाथ को उनकी ही पार्टी में किनारे लगा दिया गया है, उसके बाद तो ये भी कहा जा रहा है कि 2028 के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें कांग्रेस का टिकट मिलना ही मुश्किल है। ऐसे में उनके CM बनने की संभावनाएं ही नहीं है। जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं वो सिर्फ कांग्रेस हाईकमान पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत लगाए जा रहे हैं। इस बीच अब इंतजार मध्य प्रदेश में कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची का हो रहा है। 7 मार्च को दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक होगी और इस बैठक में कम से कम 200 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय हो जाएंगे। दावा किया जा रहा है कि जिन सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार 50,000 से कम वोटों के अंतर से हारा था, उसे टिकट देने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। साथ ही चुनाव जीतने वाले सभी सांसदों को रिपीट किए जाने की खबर है और इनके नाम पहली ही सूची में आ जाएंगे और पहली ही सूची में साफ हो जाएगा कि कांग्रेस अमेठी और रायबरेली से किसे उम्मीदवार बनाती है। वैसे दावा किया जा रहा है कि पार्टी अमेठी सीट पर इस बार स्थानीय कार्ड भी खेल सकती है, जबकि रायबरेली सीट पर प्रियंका गांधी कांग्रेस की उम्मीदवार बन सकती है, क्योंकि सोनिया गांधी पहले राज्यसभा में जा चुकी है। ऐसे में प्रियंका गांधी के लिए रायबरेली की सीट पहले ही खाली हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज़।